बच्ची गुरुजी में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम आईएएस एग्जामिनेशंस के पैरंट नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस जो आते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एग्जामिनेशन, इसके बाद इंटरव्यू अलग होता है, यानी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं इसके एग्जामिनेशन की। नंबर 1 पर आता है प्रीलिम्स, नंबर 2 पर आता है मेंस और नंबर 3 पर आता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके बाद मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो मेंस पेपर होता है, मेंस में आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, आपके जीएस के पेपर होते हैं, आपके क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर होते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू। आईएएस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू तो पूरे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, कितना टफ माना जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के साथ इसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती। तो प्लीज आंसर्स गलत मत कीजिए, गलत आंसर टिक मत कीजिए। अगर आप क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर हैं तभी उस क्वेश्चन को आप ज्वाइन कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग से, 0.1 नेगेटिव मार्किंग से भी आपके रैंकिंग में काफी असर पड़ जाता है, लाखों रैंकिंग में असर पड़ता है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल मत पड़िए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी के एक बहुत ही फेमस शहर आगरा की। जी हाँ, आगरा, जहाँ ताजमहल है, आगरे का लाल किला है, बहुत ही फेमस शहर है ये। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और इसी शहर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी आगरा में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशनल नॉलेज मिलेंगी, बहुत सी नॉलेज मिलेंगी इस कुछ मिनट की वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां हमने हर इंस्टीट्यूट, जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में उसी एक वीडियो में आपको बताया है रैंकिंग वाइज, कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, उनका एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ हमने दिया है और हर इंस्टीट्यूट के बारे में एक शॉर्टकट डिटेल्स भी दी है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां रैंकिंग वाइज हर इंस्टीट्यूट के बारे में आपको एक ही वीडियो में पता लग जाएगा। इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट के बारे में इंडिविजुअल वीडियो, जहां इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में, वो वीडियोस भी हम अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इससे पहले आप ये लिस्ट देख सकते हैं रैंकिंग वाइज कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है। हम वो वीडियो आपके सामने, हम वो लिंक आपके सामने दिखा सकते हैं, वो लिस्ट, उस लिस्ट में कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आईएएस इंस्टीट्यूट की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आईएएस इंस्टीट्यूट पूरे आगरा में रैंक नंबर 3 का सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस के लिए, यानी ये 3 रैंक पर सबसे अच्छी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके फीचर्स की बात करें तो इनकी फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये आपको कोर्स के साथ ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। स्टडी मटेरियल आपको सभी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, जहां आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, ताकि आपको पता लगे पेपर किस वे में आता है। इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट होता है, जहां आपको रियल एग्जाम की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको प्रॉपर रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है, जहां नेगेटिव मार्किंग भी उसी वे में होती है जैसे एग्जाम में होता है, और उसी तरीके से आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपको एक रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलता है। आपको पता लगता है कि रियलिटी में इस एग्जाम में किन किन मुश्किलों का सामना बच्चों को करना पड़ता है और किस प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज की रिजल्ट दी जाती है, वो रिजल्ट प्रॉपर वे में परफॉर्मेंस शीट होती है आपकी, जहाँ आपको अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज दोनों का पता चलता है।
वीक एरियाज को आपको इम्प्रूव करने के लिए तरीके बताए जाते हैं इंडिविजुअल बेसिस पर। तो आप समझ सकते हैं ये इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा अच्छा है, क्यों है वो भी आप समझ सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द